ओडिशा में तूफान डाना की आहट, कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू। ओडिशा और बंगाल में अलर्ट मोड में प्रशासन, भुवनेश्वर कोलकाता में 16 घंटे तक उड़ानों पर रोक लगी। तूफान से ओडिशा के 14 जिलों में अलर्ट, 3000 गांव से 10 लाख लोगों को राहत शिविरों में किया जा रहा है शिफ्ट। तूफान डाना से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर डिपार्टमेंट, बिजली विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने मोर्चा संभाला। सेना, कोस्ट गार्ड और नेवी को भी चक्रवाती तूफान डाना से निपटने के लिए अलर्ट किया गया, रेल यातायात भी प्रभावित, कई ट्रेनें रद्द की गई। कई राज्यों में दिखेगा तूफान डाना का असर, ओडिशा बंगाल के साथ साथ आंध्र प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी मौसम विभाग की चेतावनी। बंगाल से चलने वाली 152 ट्रेनों को किया गया रद्द, तूफान डाना से होने वाले असर को देखते हुए रेलवे का ये फैसला। ओडिशा और पश्चिम बंगाल भीषण चक्रवाती तूफान के लिए तैयार, हालात को देखते हुए बंद किए गए स्कूल और कॉलेज। बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील, सोशल मीडिया पर लिखा, बंगाल एकजुट रहेगा, भारत एकजुट रहेगा, हम जीतेंगे। अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने तूफान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रेत बनाई कलाकृति, लोगों से की सतर्क रहने की अपील। देश की राजधानी दिल्ली में गहराया प्रदूषण का संकट, कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 350 के पार। आनंद विहार और जनकपुर इलाके में एक UI 400 के पार, दिल्ली का औसत एक UI 350 से ज्यादा। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह दिखी स्मॉग की परत, विजिबिलिटी भी प्रभावित रही। प्रदूषण को देखते हुए सुबह और शाम के वक्त बाहर जाने से बचने की सलाह, दिल और सांस के मरीज खास ख्याल रखने की हिदायत। दिल्ली में प्रदूषण की मार, एक UI गिरकर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा, लोधी रोड से सामने आई तस्वीरें। हेल्थ सेक्टर में IIT कानपुर ने बड़ा आविष्कार किया, IIT कानपुर ने तैयार किया TB चेक करने का पोर्टेबल डिवाइस। एक क्विंटल की मशीन का काम करेगा 4 किलो का यह डिवाइस, कुछ ही देर में निकालेगी 100 एक्सरे। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे। बांदा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनेंगे फूड प्लाजा, यूपीडा ने शुरू की तैयारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मुलवारवान विलेज अग्निकांड को लेकर आए लोग, एनजीओ ने अग्नि पीड़ितों के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए का दान एकत्रित किया। फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक में नजर आएंगे अभिषेक बच्चन, फिल्म टीजर जारी, 22 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये फिल्म। 15 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म मैच फिक्सिंग, सेंसर बोर्ड से फिल्म को मिली हरी झंडी। फिल्म द राजा साहेब का मोशन पोस्टर जारी, अगले साल 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। अभिनेता प्रभास के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, फिल्म सालार के सीक्वल यानी पार्ट 2 का आधिकारिक ऐलान किया गया, फिल्म में प्रभास के साथ अभिनेत्री श्रुति हसन और पृथ्वीराज सुकुमारन भी नजर आएंगे। फिल्म सिकंदर का मुकद्दर टीजर जारी, फिल्म में तमन्ना भाटिया अभिनेता जिमी शेगल के ऑपोजिट नजर आएंगी, वहीं फिल्म में अविनाश तिवारी का भी एक अहम रोल।